आएंगे होने वाला है, आएंगे तो खुद बताएंगे, बताएंगे इनके हाथ में जो है सच से सच तक एक यूट्यूब चैनल दिख रहा है, नाम हुआ बदल लीजिए नहीं तो आपको भी नहीं ये आ जाएगा हाईकोर्ट से नोटिस आ जाएगा, ये सब हटा देना है, जिसका जो है उसको छोड़ देना है, अपना नाम रखना है, ये चीज है। मनीष भैया अभी फिलहाल देखा जाए कि बिहार में सबसे निचले स्तर पर एजुकेशन जा रहा है, तो एजुकेशन कैसे आगे बढ़ाए, उनको गन्ना मंत्री की तरफ बढ़ा दिया। सुनिए ना, अब जितने भी हम लोग पत्रकार है सर, चलिए हम लोग जो है वो बिहार सरकार का वैकेंसी निकला है टीचर बने, अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, ये शिक्षा ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, कहीं भी अगर गड़बड़ हो रहा है तो स्कूल के अंदर घुस के नहीं, स्कूल के बाहर जो है उसकी गड़बड़ियों को हम लोग दिखा सकते हैं, टीचर को बिना परेशान किए हुए। ये चीज है, मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया स्कूल टीचर के ऊपर, FIR अब हो जा रहा है ज्यादा, या थप्पड़ लगा दिया जा रहा है, सीधा थप्पड़ लगा दिया। नहीं तो देखिए, अगर समाज में हम लोग जो है एक दूसरे को समझ के अगर कोई काम करेंगे, तो मैंने आज तक टीचर के खिलाफ वीडियो नहीं बनाया। आप देखे होंगे सिवान के एक स्कूल का वीडियो खूब वायरल हुआ, मैंने उसमें टीचर को बोला कि आप डिस्टर्ब मत कीजिए, हम दिखाएंगे, हम चले जाएंगे, हम आपसे सवाल कुछ नहीं पूछेंगे, प्रिंसिपल से मैंने बोला था, वो वीडियो देखिएगा, वो लगी डिस्टर्ब कर दे, सवाल पूछ दिए जी, चीज है। तो टीचर को डिस्टर्ब ना किया जाए, टीचर की वजह से सिस्टम खराब नहीं है, सिर्फ गद्दी पे बैठे हुए शिक्षा मंत्री ऐसे ऐसे मंत्री जो डेवलपमेंट नहीं करना चाहते उनके वजह से सिस्टम खराब है, बस अपनाने दीजिए, फिर मिलेंगे जरूर। तो अभी हमारे साथ मनीष सर थे, और थोड़ी देर में मनोज तिवारी आने वाले हैं, और जैसे मनोज तिवारी आएंगे हम अपडेट आपको देंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं हम डुमरी मानवा गांव में, और यहीं पे मनोज तिवारी आएंगे और भव्य स्वागत होगा, क्योंकि गांव के लोग जो है मनोज तिवारी के स्वागत के लिए जो है यहां पे आ चुके हैं, और अभी तो कम भीड़ है, लेकिन जैसे मनोज तिवारी आएंगे यहां पे लोगों की भीड़ उमड़ जाएगी। ये देखिए राजू भिखारी, आप लोग देख सकते हैं राजू भिखारी, हर दिन वायरल क्यों होते हैं, तो यही जो स्टेशन पे एक भिखारी जो भीख मांगता है, आज उसको खुद अपने हाथों से खिला रहे हैं और उसी में से खुद भी खा रहे हैं, कहीं ना कहीं मनीष भैया का यही बड़प्पन है, जिसके वजह से आज जिस गांव में एक समय था, एक अधिकारी बोले थे कि मनीष जी आपके गांव में जाने का रास्ता नहीं, उस गांव में भोजपुरी के सबसे बड़े दिग्गज कलाकार आ रहे हैं, और इतना सारा भैया मीडिया वाले आए हैं, कैसा लग रहा है भैया आपके दरवाजे पे? बहुत अच्छा लग रहा है, और इनके साथ अगर मैंने खाया है तो बहुत सारे लोग बोलेंगे TRP के लिए खाया, TRP के लिए ही सही, एक भिखारी को अगर सम्मान मिल जाए तो इसमें गुनाह क्या है? आइए आप भी बैठ के खाइए, सही है कि नहीं है? बिल्कुल, 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 ये तो सम्मान है ना, ये तो अपमान नहीं है ना, अपमान तो मैंने इनका नहीं ना किया, तो जो कहना है कहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे थोड़ा सा छोड़ दीजिए। जी जी जी।